हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। भाई आज हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है ये है बलेनो बेस वेरिएंट है। भाई बेस वेरिएंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें पता है बेस वेरिएंट है, आपको लग नहीं रहा होगा बेस वेरिएंट, क्योंकि भाई बंदे ने ना भाई जो भी इसके ओनर है इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवा रखी है फ्रंट से लेके ना पूरी बैक तक ना एग्जॉस्ट से लेके, मतलब कि एग्जॉस्ट भी उन्होंने लगवा रखा है, इतने ज़्यादा भाई मॉडिफिकेशन लवर हैं भाई वो। बाकी ना मैं गाड़ी का एक बार वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। भाई ये थोड़ा सा भाई ने रैप करवा रखा है और यहाँ पे इंडिकेटर्स पे ना भाई ये जो है ना यहाँ पे बेस वेरिएंट है ना इंडिकेटर पे भाई इसके वो आते हैं इंडिकेटर्स, तो भाई ने ना वो निकलवा के भाई यहाँ पे टर्मिनेटर का चेहरा बनवा दिया है। बाकी देख लो भाई की आईडी है भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई को। तो मैं बाकी वॉक अराउंड दिखाता हूँ भाई गाड़ी का आपको, देख लो अलॉय व्हील भाई से सब पूछेंगे, सारी चीज़ पूछेंगे भाई, स्पॉइलर की कहानी भी पूछेंगे और भाई ने जो ये स्पॉइलर लगवा रखा कैड़ा सा ही लग रहा है, तो भाई सारी चीज़ पूछते हैं। पहले मैं गाड़ी का वॉक अराउंड आपको इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, स्मोक की सी लाइट करवा रही है भाई ने, मतलब मॉडिफिकेशन में ना गाड़ी में कोई कमी नहीं है। स्विफ्ट के बाद जो गाड़ी भाई लोगों को पसंद आई है ना मारुति की, वो आई है भाई ये बलेनो। पोलो बंद हो चुकी है भाई ने, जैसे अभी बताया पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो आप देख सकते हैं भाई मैं गाड़ी से दिखा रहा हूँ साइड में से। भाई ओनर का इंट्रोड्यूस करते हैं, उनसे ही बात सारी चीज़ पूछेंगे भाई गाड़ी में क्या कमी है, क्या क्या चीज़ उनसे गलती होगी लगवाते टाइम, तो ये लगवाने नहीं चाहिए था, जो कि आप भी देख लेना भाई। तो भाई ओनर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो भाई आज हमारे सूरज भाई के पास आए हैं। भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई आज हमारी आपकी गाड़ी भाई बहुत पसंद आ गई है भाई, मेरे को तो पसंद आ रही है, सब्सक्राइबर्स को भी पसंद आएगी। तो भाई पहले मैं फ्रंट से शुरू करूंगा, 20-26 भाई नंबर ले रखा है या फिर मिला है भाई? मिला है भाई लकी है भाई, नंबर बढ़िया लग रहा है। और सामने जो लाइट जल रही है भाई इनका क्या राज है भाई? नहीं ये रेड बल्ब लगा रखे, ऊपर से स्मोक वो करवा रखे, स्मोक करवा रखा है और ऊपर से हाइलाइट लगवा रखे बॉडी कलर से, मैं तो थोड़ा एग्रेसिव लुक आता है। तो रात में दिक्कत नहीं होती? नहीं रात में कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाद जो लाइट ऑन करूंगा ना तो वो हैगी, मतलब व्हाइट है या फिर वो भी है? वो हैलोजन है भाई, वो हैलोजन है। लाइटिंग का भी काम इसमें मैंने कराया नहीं, फॉग लैंप वगैरह कुछ नहीं लगवाया। हाँ पर फॉग लैंप भी नहीं लगवा रखे, तो भाई बाहर जाना होता नहीं है क्या ज्यादा? नहीं। अच्छा तभी भाई वैसे कितनी चल चुकी है गाड़ी? भाई 32 चली है। 32 प्योर पेट्रोल है या फिर भाई सीएनजी डलवा रखी है? प्योर पेट्रोल है। तभी भाई 32 चली है, नहीं बहुत ज्यादा चल जाती भाई गाड़ी तो। भाई अलॉय व्हील डलवा रखे, कितने इंच डलवा रखे? 16 इंच है भाई। तो मतलब कहाँ से डलवाए हैं भाई? ये यहीं से डलवाए हैं, विकासपुरी वाले फ्लावर के नीचे एक शॉप है भाई की, रिंकू टायर्स की। अच्छा ठीक है भाई, तो ये यहाँ से लगी हुई है या फिर भाई ये लगवा रखा मॉडिफिकेशन के पार्ट है? सपोर्टेड चीज है। अच्छा किस क्या सपोर्टेड है भाई? ये बहुत होल्ड करती है, बम्पर निकल जाता है इसका, 3-4 बार मैंने लगवाया तो बम्पर फिर भी गिर ही जाता है। अच्छा तो हमारे साइड वहाँ पे खेत बहुत है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, हरियाणा साइड का हूँ। अच्छा वहाँ पे खेत बहुत है, वहाँ चलती है तो ये निकल ही जाता है हर बार। प्लास्टिक वैसे भाई मारुति का थोड़ा हल्का ही है, तो फिर ये लगा ही रखा है उससे नहीं ठीक। और भाई ये यहाँ पे आप फेंडर पे इंडिकेटर आते हैं भाई, ये क्यों निकलवा रहे हैं? इंडिकेटर हटवा देते, अच्छे नहीं लगते थे वो, बेस मॉडल वाले इससे ज्यादा लुक आती है। अच्छा तो आप पता नहीं चलता कि बेस मॉडल आता था ना, होल दिखता था उसकी वजह से ये लगा दे 3D लोगो, तो होल में ही भाई कुछ एडजस्टमेंट करवा रहे थे ना कि ये भी चमकता। नहीं तो चमकता ना, सिर्फ इतनी सी लाइट जलती इसके इसमें तो वो अच्छा भी नहीं लगता, मतलब कोशिश करी थी करने की। तो ठीक, तो भाई अभी साइड लुक पे आ जाते हैं। भाई के इंस्टाग्राम आईडी है भाई, मैं बार बार दिखा रहा हूँ भाई, भाई को फॉलो कर लेना। तो भाई ये जो क्रोम है भाई, ये कंपनी वाला क्रोम है भाई, अभी बाहर से लगवा रखा है? कंपनी से लिया भाई, कंपनी से भाई। भाई वो नहीं हुआ काला वाला, कुछ भी नहीं पड़ा भाई, मेरे वाला थोड़ा सा भाई 50,000 चल गया भाई, थोड़ा सा काला वाला हो गया है। नहीं तो, वो पता क्या है, कंपनी से अगर आप कुछ चीज लेते हो ना वो निकलती है, वो कहने की बात होती है खराब है पर निकलती है, दूसरे बाहर वाली से अच्छी क्वालिटी मिलती है। मैंने कंपनी का ले रखा, पर मेरी 50,000 चल गई ना तो काली पड़ गई है थोड़ी। तो भाई ये क्या सीन है भाई, ये जो आपने करवा रखा है ग्राफिक करवाया भाई? अच्छा ग्राफिक भाई क्या सीन है इसका? कुछ नहीं बस मतलब बनवा के रखा, स्माइली बनवा रखा, स्माइली बनवा रखा टाइप यही है। एक था एक एग्रेसिव वाला भी था स्माइली, और एक था ये सोबर वाला, मैंने सोबर वाला लगवाया एग्रेसिव। ये बढ़िया लग रहा है भाई कि ना गाड़ी के कलर के साथ मैच कर रहा है। हाँ तो थोड़ा गंदी हो रही है भाई गाड़ी, उसका लिए माफ करना भाई, साफ कर रहे थे मैंने मना कर दिया भाई को। भाई ये स्पॉइलर जो है इसमें लाइट वाइट चलती है फिर? नहीं, नहीं, खाली वही है, खाली वैसा ही स्पॉइलर है, बैटमैन वाला स्पॉइलर है, बैटमैन वाला स्पॉइलर है भाई। देख लो इस पे कितना खर्चा कर रखा हमने, कुछ नहीं मतलब बस पेंट वेंट हो रखा है और थोड़ी सी डिटेलिंग करवा रखी है। तो भाई ये देखो ये जो है स्मोक की लाइट है पूरी, इसमें रात में भाई दिक्कत नहीं होती क्या आपको? पीछे वाले को दिक्कत नहीं होती गाड़ी देखने में? नहीं, क्योंकि नहीं, इसके रात में तो ये और अच्छी दिखती है। अच्छा क्योंकि इसके रिफ्लेक्टर इतने कामयाब है नहीं? रिफ्लेक्टर है ही नहीं इसमें, मतलब ये रिफ्लेक्टर नहीं है क्या? ये डमी लगा हुआ है। अच्छा, कंपनी से जो आता है ना वही है। मारुति इधर देती है फिर इसके रिफ्लेक्टर है? रिफ्लेक्टर इसमें होते ही नहीं ना, बेस मॉडल है। अच्छा बेस मॉडल रिफ्लेक्टर देती नहीं कंपनी? अरे यार ये तो बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग है भाई। तो मैं दिखा देता हूँ भाई, भाई कैमरे की पोजीशनिंग भाई ने यहाँ पे रख रखी है, डिग्गी में दिखा देते हैं हम खोल के भाई कितना स्पेस मिलता है आपको। भाई ने भाई सिस्टम सिस्टम रख रखा, बेस ट्यूब रख रखी है यहाँ पे, तो इनबिल्ट एम वाली बेस ट्यूब है भाई, और ये वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट का वो। हाँ भाई एग्जॉस्ट सुनाना है भाई यहाँ पे हम आगे, मैंने सबको दिखाया एग्जॉस्ट भाई, एग्जॉस्ट सुना देते हैं, उसकी पोजीशनिंग बता देते हैं। सॉरी भाई ये भाई एग्जॉस्ट लगा रखा है, तो भाई चलता कैसे और क्या सिस्टम है आगे से दिखा वाला एग्जॉस्ट है भाई। भाई गाड़ी स्टार्ट है हमारी, पता भी नहीं चल रही है गाड़ी स्टार्ट है, तो ये बता दो भाई कैसे चलता है ये बता भाई। अभी साउंड सुनाते हैं आपको मस्त एकदम।
ये इसका रिमोट है भाई। अच्छा रिमोट है क्या, मतलब ये देख लो भाई, वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है। ओके, तो क्या स्ट्रेट पाइप है, तो पीछे से होगा मतलब कि आप कर लेना इसको ऑन ऑफ, अभी तो फिलहाल ये ऑन होगा, उसको ऑफ कर लो पहले। अच्छा पहले भाई ऑफ कर लेता हूँ, देख लो भाई ऑफ हो गया ये। करना रेस, ऑफ कर दिया मैंने। हाँ ऑफ है, ऑफ है, ठीक है भाई। तो अब मैं ऑन कर देता हूँ, देख रहे हो भाई, देख रहे हो बातचीत, देख रहे हो ये ऑन है भाई। भाई कैडी बातचीत आ रही है भाई ऑन करके। तो इस पे कितना खर्चा किया हमने भाई, ये छोटे से बटन के ऊपर 20,000 रुपए खर्चा करा है भाई। देख लो भाई गाड़ी की लुक एकदम इनहेंस हो जाती है। तो भाई इसका माइनस पॉइंट भी है कुछ या फिर दिक्कत है ही नहीं कुछ है? भाई मुझे तो कोई दिक्कत लगती नहीं भाई, देखो जो शौक करता है ना वही ये सब चीजें लगवाता है, तो शौक की वजह से उस बंदे को कोई दिक्कत तो फील होनी नहीं। अगर कुछ जाता भी है तो डलवाना ही पड़ता है। क्या जाता है वही पूछना है। क्लच वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम सुनी है मैंने, पर मेरे हिसाब से तो होती नहीं। तो अभी हम क्योंकि 2000 आरपीएम के बाद आके वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट शुरू होता है। नहीं नहीं नहीं, ये इनिशियल में शुरू होता है। इनिशियल में शुरू हो जाता है। और ये जो हम परफेक्ट गियर में अगर थोड़ी हाई स्पीड पे चले जाते हैं ना, तो एग्जॉस्ट ऐसा होता है कि मतलब आवाज ही नहीं आती। अच्छा ये फिर तो मतलब कि स्लो चलेगी तभी बढ़िया लगेगा। स्लो चलेगी तब अच्छा लगेगा, मतलब कि जब आप स्पीड में चल रही है तो बढ़िया है। रेव करोगे तो अच्छा लगेगा, मतलब कि खड़ी गाड़ी में रेव कर रहे हैं तो बढ़िया है, मतलब बाकी 20 की स्पीड में चल रहे हैं तब ठीक है। 20 की स्पीड में भी आवाज करती है। अच्छा तो मतलब कि यार मतलब बढ़िया साउंड, बढ़िया गियर तक आवाज करेगी, थर्ड गियर के ऊपर जाते जाते वो आवाज कम होते जाएगी, लेवल कम होते जाएंगे, मतलब ये उसका प्लस पॉइंट है कह सकते हैं। तो उसके भाई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, बंदे लगवा सकते हैं। हाँ सब लगवाओ भाई। तो भाई अब गाड़ी के ना अंदर आ बैठ जाते हैं, अब अंदर का भी देख लेते हैं कुछ, अंदर भी भाई ने कुछ अलग ही करवा रखा है। तेरे को बड़ी पसंद आ रही गाड़ी भाई, ये देख लो भाई, भाई ने ये जो करवा रखा है ना, ये पूछते हैं भाई ये क्या है भाई, रैप है क्या है, ग्राफिक्स है भाई क्या है, ये जो आपने करवा रखा है बड़ी कैडी सी चीज लग रही है भाई, खुद ही करवा रखा अपनी फैक्ट्री में से। अच्छा तो भाई किसी को करवाना हो तो आपके आपसे कर ले कॉन्टेक्ट। नहीं भाई। अच्छा वन ऑन एंड ओनली इसी में भाई, देख लो भाई बलेनो भाई यहाँ पे भी करवा रखा है भाई ने, तो कब से करवा रखा है भाई आपने ये? तो भाई हो गया इसको भी साल भर से ऊपर हो गया। तो भाई ये ऐसी मतलब ऐसा ही कलर था या फिर कुछ फेड वेड भी हुआ है? नहीं ऐसा ही था, पर स्टेयरिंग का थोड़ा फेड हो गया क्योंकि इसी पे ही हाथ रहता है ना सब, इसी पे हाथ रहता है, इसका थोड़ा सा फेड वगैरह हो गया, पर इसको मैं दोबारा भाई देख लो भाई यहाँ पे भी भाई ने पूरे करवा रखा, पीछे भी करवा रखे क्या? हाँ पीछे भी हो रखा भाई, पीछे भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो भाई यहाँ पे करवा रखा भाई ने। तो भाई खुद की पसंद है भाई की या फिर किसी ने बोला है? नहीं भाई लोग हाइड्रो ट्रिप करा रहे थे तो मैंने कुछ अलग ही करवा दिया। देख लो भाई, तो सीट कवर नहीं चढ़वाया क्या इसमें कंपनी वाले? कवर चढ़े तो हुआ है भाई। नहीं कंपनी वाले हैं? नहीं नहीं कंपनी वाले नहीं, बाहर बाहर से आए। नहीं भाई देख लो भाई सही है, ओ कंपनी से कुछ किट विट नहीं लिया आपने? कंपनी से किट ली थी 50,000 रुपीज की। क्या क्या दिया था उन्होंने उसमें? उसमें दिए थे भाई इन्होंने एक तो पावर विंडो दी थी। अच्छा चारों पावर विंडो दी थी भाई को, ये पावर विंडो और इसमें दिया था हमको, सेंटर लॉकिंग दी थी, बड फ्लैप दिए थे। अच्छा ये कंपनी वाले हैं, ये तो बाहर से लग रहे हैं। कौन से? ये मैट तो, मैट तो बाहर से लिए मैंने, मड फ्लैप दिए थे। अच्छा मड फ्लैप, अच्छा मड फ्लैप और डोर वाइजर और ये रेन वाइजर, रेन वाइजर भी है। और कैमरा दिया था और एक स्क्रीन दी थी पाइनर की और दो स्पीकर दिए थे। अच्छा तो बाहर निकलवा दी? नहीं वो तो निकलवा दी मैंने, एंड्रॉइड स्क्रीन लगवा तो उसको बेच के ये ले लिया। नहीं नहीं वो बेच नहीं, दूसरी गाड़ी में लगा दी। अच्छा और कौन सी गाड़ी भाई? भाई पहले थी को मेरे पास, अब ब्रीजा ले लिया मैंने। अच्छा सही है भाई ब्रीजा, भाई मारुति लवर हो गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब सही है तो मारुति लुक देती है। देखो सच बात आ रहा हूँ, मारुति से अच्छी लुक मुझे नहीं लगती किसी की। भाई अभी मैं सुन रहा था भाई कि स्विफ्ट से, स्विफ्ट भी पसंद है आपको? मैं स्विफ्ट लेने गया था, स्विफ्ट मिली नहीं मुझे, ब्लू कलर की मिल रही थी। और गाड़ी अगली बार आपको लेनी हो ना बिना वेटिंग के दिलवा देंगे आपको, नोनी भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना। तो भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई जैसे अलॉय व्हील लगा रखे हैं आपने, तो अलॉय व्हील और एग्जॉस्ट भी लगा हुआ, तो एवरेज पे फर्क है या नहीं है भाई? एवरेज पे फर्क है भाई, मतलब मारुति वाली एवरेज गई है? मारुति की एवरेज क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। अरे भाई हल्की गाड़ी है मारुति, नहीं कुछ भी नहीं होती है एवरेज मारुति की यार। तो फिर क्या करें फिर हम? तो अभी एवरेज कितनी दे रही है आपको? अभी इस टाइम पे एवरेज दे रही है ये, पेट्रोल पे चला रहे हो इसको 13-14 की दे रही भाई, 13-14 सिटी में? सिटी में नहीं हाईवे पे, क्योंकि ये पापा इसको लेके जाते हैं। तो सिटी में कितनी देगी फिर? तो 8-10 की देगी, 10-11 की आ जाती है, कुछ भी नहीं है भाई फिर तो एवरेज। शौक बड़ी चीज है भाई कह सकते हैं। भाई देख लो भाई शौक के लिए भाई बंदे क्या क्या नहीं करते। 32,000 चल चुकी हमारी गाड़ी है। तो क्लच प्लेट चेंज हुई है क्योंकि एग्जॉस्ट की वजह से थोड़ा दिक्कत आती है, तीसरी डलेगी भाई देख लो। 10,000 रुपए चेंज हो रही है भाई, देख मेरी 50,000 हो चुकी है, अभी तक चेंज नहीं हुई है, अब चेंज करवाऊंगा। ड्राइवर के हिसाब के ऊपर बात होती है, बंदा कैसे ड्राइव करता है। मेरी स्टॉक है ना तो इस वजह से फर्क पड़ता है थोड़ी, मेरी हुंडई की भी है तो इस वजह से फर्क पड़ता है। भाई देख लो भाई हमने पूरी गाड़ी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है भाई की, बाकी ऐसी ऐसी वीडियोज और आती रहेंगी भाई, ब्रेजा की करेंगे भाई की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक करे कमेंट करे चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।